जय हिंद दोस्तों, ई श्रम कार्ड के बारे में आपने तो सुना होगा और करोड़ों लोगों ने इसे बनवाया भी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपने देश में आबादी लगभग 1.5 अरब मतलब कि 150 करोड़ हो चुका है और उसमें से लगभग 48 करोड़ लोग जो है असंगठित मजदूर। असंगठित मजदूर का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, नाई का काम करने वाला, कारपेंटर का काम करने वाला, ड्राइवर का काम करने वाला, सिलाई का काम करने वाला, पंचर का काम करने वाला, नौकरानी का काम करने वाला, बहुत सारे और भी काम है। जितने भी असंगठित मजदूर हैं, बहुत सारे लोगों का नाम याद नहीं है लेकिन बहुत सारे काम मैं बता रहा हूँ। असंगठित मजदूर पहले समझ लीजिए कौन लोग होते हैं। असंगठित मजदूर जिसके पास जो काम करते हैं उसका पहचान नहीं होता है, कोई डिग्री नहीं होता है, कोई डिप्लोमा नहीं होता है, लेकिन वो काम बखूबी उस चीज़ को जानते हैं, लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, उसे असंगठित मजदूर कहते हैं। जिसकी कोई संगठन नहीं होती है, जिसकी कोई संस्था नहीं होती है, जो बड़ी कंपनी में काम नहीं करते होते हैं, उसे असंगठित मजदूर कहते हैं। उन लोगों के लिए भारत सरकार ने एक योजना लाया था। कौन सी योजना? ई श्रम कार्ड बनवाने का। 48 करोड़ लोगों का ई श्रम कार्ड बनना था, जिसमें से मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी लगभग 25 करोड़ लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है। अब मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें से लोग पूछते हैं कि सर मैंने तो ई श्रम कार्ड बनवा लिया है बट मेरा पैसा नहीं आ रहा है। आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले, जब विधानसभा चुनाव था वहाँ, तो उससे पहले बहुत सारे लोगों के अकाउंट पे 500 रुपया महीना का दिया गया था, 2 महीना का 1,000 रुपया सबको भेजा गया था। लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब हर महीने 500 रुपया रेगुलर मिलेगा पेंशन के तौर पर जिन्होंने ई श्रम कार्ड बनवाया था, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल वालों को यह आशा हो गया था। लेकिन मैं इसके बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दूंगा कि क्या पेंशन इसमें आपको मिलने वाला है। ई श्रम कार्ड आपने अगर बनवा लिया है तो आगे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, नुकसान होगा या नहीं होगा, फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और क्या काम करेगा भविष्य में, क्या इसका काम आएगा, सारी जानकारी आपको दूंगा। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आपने ई श्रम कार्ड बनवाया तो भी पूरे वीडियो में बने रहेंगे, नहीं बनवाया है तो भी पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे क्योंकि आप बनवा सकते हैं, अभी भी आपके पास मौका है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लाइक करिए और मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से लिखिएगा, मैं फिर से उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं इसी वीडियो में आपके सारे समस्या का हल कर दूं। तो आपके पास ई श्रम कार्ड है तो मैं आपको बता दूं, ई श्रम कार्ड भारत सरकार ने इसलिए बनवाया था कि जितने भी असंगठित मजदूर हैं, अब असंगठित मजदूर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लेबर, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे काम करने वाला, नौकर का काम करने वाला, नौकरानी का काम करने वाला, सिलाई का काम करने वाला, पंचर का काम करने वाला, सब्जी बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ड्राइविंग करने वाला, बहुत सारे काम है, इतना काम है कि मैं गिना नहीं सकता हूँ। नाई का काम लोग करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं, रोड में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में मजदूर का काम करते हैं, सभी असंगठित मजदूर में आते हैं। तो उनके लिए सरकार ने कहा था कि आप ई श्रम कार्ड बनवा लीजिए, जो ऑनलाइन बन रहा था बहुत सारे लोगों ने बनवाया। हुआ क्या कि जब बनवा लिए तो लोगों को सरकार ने पैसा देना स्टार्ट किया, 500 रुपये महीना सभी को मिलना स्टार्ट हुआ, 2 महीने के पैसे भी आए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को, कुछ लोगों को आया, सारे लोगों को नहीं आया, कुछ लोगों को आया। अब बार बार यह प्रश्न उठता है, सवाल उठता है कि पैसा आया लेकिन दोबारा फिर नहीं आया पैसा, कब से फिर मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि ये ई श्रम कार्ड इसलिए आपको नहीं बनवाया गया कि सरकार आपको पेंशन देगी। 500 रुपये पेंशन अगर महीना आपको दिया जाए रेगुलर, इससे आपका होने का क्या है, कुछ नहीं होने का है। और उस 500 रुपये का आशा में आप बहुत सारे काम अपना खराब कर लेंगे। सरकार ने इसलिए बनाया था ई श्रम कार्ड कि आपका कोई आपदा आता है, कोई विपदा आता है, किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा आ जाता है, उस पीरियड में सरकार आपको मदद करती है अगर ई श्रम कार्ड बना हुआ हुआ है तो। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन जो लगा था कोरोना काल में, चाहे पहला लॉकडाउन हो, दूसरा लॉकडाउन हो, इस प्रकार का कोई आपदा आता है तो सरकार
जिसका ई श्रम कार्ड बना हुआ है अब उसको डायरेक्ट मदद करेगी, क्योंकि उससे ये साबित होता है कि ये व्यक्ति मजदूर है, असंगठित मजदूर है। मतलब कि कोई आपदा आ जाता है, कोई महामारी आ जाता है देश में, तो इन लोगों का इनकम बंद हो जाता है, तो उस पीरियड में मदद किया जाता है। चाहे 5,000 रुपये एक मुश्त हो, 10,000 रुपये एक मुश्त हो, आपके अकाउंट पर भेजा जाता है, क्योंकि ई श्रम कार्ड बना होगा तो आपका अकाउंट भी वहाँ पर लिंक हुआ होगा, क्योंकि बिना बैंक अकाउंट का ई श्रम कार्ड नहीं बनता है। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर, तीन चीज़ ही लगता है इसमें। तो मैं आपको बता दूँ कि पैसा का आशा मत रखिए, पैसा सरकार आपको नहीं देने जा रही। पैसा आपको कब देगी? जब आप मुसीबत में होंगे, और पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर नहीं। ये अगर सभी लोगों के साथ ऐसा होगा, अगर देश में जैसे कहीं आंधी आता है, कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं पे कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, या फिर देश में कोई महामारी फैल जाता है, उस पीरियड में अगर स्टेट लेवल का बंदी हो जाता है, या फिर पूरा राष्ट्रीय लेवल का बंदी हो जाता है, या फिर सभी का काम ठप हो जाता है, उस पीरियड में सरकार मदद करेगी, इसलिए ई श्रम कार्ड बनवाया गया था। अब इसके अलावा क्या फ़ायदा है, मैं आपको बता दूं। इसके अलावा इसलिए फ़ायदा है कि ई श्रम कार्ड आपको इसलिए बनाया गया कि आपकी एक पहचान, एक आइडेंटिटी के लिए बनाया गया। जैसे आप बिहार के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले, उड़ीसा के रहने वाले, कहीं के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, और अक्सर देखेंगे इन सभी जगहों पे बहुत सारे मजदूर हैं, असंगठित मजदूर हैं, जो बाहर में रह के काम करते हैं, कमाने जाते हैं, दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, या फिर बेंगलुरु हो, कहीं भी कमाने जाते हैं। तो कमाने जाते हैं, चाहे आप अपने जिले में काम कर रहे हैं, जिले के बाहर काम कर रहे हैं, या स्टेट के बाहर काम करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा जब बाहर आप काम करने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्या काम करते हो, आप तो मजदूर हो, क्या जानते हो, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता, आपसे बताते कि मैं ये काम करता हूँ, लेकिन प्रूफ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि असंगठित मजदूर के पास कोई भी किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं होता है, ना ही कोई स्किल का उसके पास डिग्री होता है। तो ये एक आपका डिग्री का काम करेगा, समझ लीजिए, ये आपका डिग्री हुआ, एक तरह से सर्टिफिकेट हुआ। जैसे बाहर काम कराने जाते हैं, बाहर काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे होता क्या है कि आपको शक की नज़र से देखा जाता है, शक की नज़र से देखा जाता है, ये सोचते हैं कहीं कोई कंपनी मालिक है, कंस्ट्रक्शन काम करने जा रहा है, कोई भवन मालिक है, या फिर कहीं भी कुछ काम करने जाते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है, आप पे शक किया जाता है कि बंदा बाहर से आया है, दूसरे स्टेट से आया है, बिहार से आया है, यूपी से आया, झारखंड से आया, उड़ीसा से आया, बंगाल से आया, ये बंदा कैसा है पता नहीं, इसके पास कोई प्रूफ है नहीं है। तो आपसे आधार मांगा जाता था पहले, तो आधार तो सिर्फ आईडी के लिए मांगा जाता था, लेकिन अब ई श्रम कार्ड क्या है, अगर ई श्रम कार्ड आप कहीं पर देते हैं, बताते हैं उनको कि ये मेरा ई श्रम कार्ड है, तो उसमें सारा चीज़ आपका मेंटेन, उससे ये साबित होता है कि आप ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, इस काम में एक्सपर्ट है, इसीलिए आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है। उसमें सारा आपका डाटा है, आधार से लिंक है, आपका मोबाइल नंबर लिंक है, बैंक अकाउंट लिंक है, इसीलिए वो प्रूफ में काम आएगा और कोई आप पे किसी प्रकार का डाउट नहीं करेगा। आपको काम तलाशने में, काम खोजने में आसानी होगी। आप बड़ी बड़ी कंपनी में जाएंगे, छोटी कंपनी में जाएंगे, किसी फैक्ट्री में जाएंगे, कहीं भी आप काम मांगेंगे और अपना ई श्रम कार्ड वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, वहाँ पे ई श्रम कार्ड आप दिखाएंगे, तो वहाँ पे ये वो बंदा ये समझ जाएगा कि ये काम करता है, इसके पास इस चीज़ का प्रमाण है, तो आपको काम मिलने में आसानी होगी, कोई आपको शक के नज़र से नहीं देखेगा, कहीं भी आपको जगह आसानी से मिल जाएगी, कहीं आप रूम किराया, रेंट किराया आसानी से ले सकते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, ये मेरे पास प्रूफ है। तो ये सब में आसानी के लिए आपको आईडी बनाया गया। दूसरा क्या है कि सरकार के पास इस चीज़ की डाटा हो गई, पूरी डाटा हो गई कि हमारे देश में इतना मजदूर है जो रजिस्टर्ड है, जो मेरे पास रजिस्टर्ड है, ये डाटा बनाया गया, डाटा तैयार किया गया सरकार की तरफ से कि ई श्रम कार्ड धारी है, वही असली मजदूर है, वही असंगठित मजदूर है, और उन्हें किसी प्रकार का फ़ायदा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, कोई आपदा आया, विपदा आया, मैंने आपको बताया, सरकार जब मदद करेगी किसी को तो इसमें फर्जी लोग लाभ नहीं उठा पाएंगे, बाहरी लोग लाभ नहीं उठा पाएंगे, वही लोग लाभ उठा पाएंगे जिनके पास ई श्रम कार्ड होगा, क्योंकि सरकार के लिस्ट में तो डाटा उसी का रहेगा। अभी तक क्या होता था कि देश में कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का स्कीम आता था, किसी प्रकार का राहत आता था, तो उसमें होता क्या था, कोई भी जाके लाभ ले लेता था, कोई भी जो संपन्न है, जिनके पास पैसा है, गाड़ी है, जमीन है, प्लॉट है, बंगला है, वो लोग भी जाके लाभ उठा लेते थे। अब क्या है, सरकार के पास डाटा रहेगा और सरकार उन्हीं लोगों को मदद करेगी जिनके पास ई श्रम कार्ड रहेगा। अगर किसी प्रकार का आपदा विपदा कभी फिर से आता है, या फिर पूरे देश में किसी प्रकार का महामारी फैलता है, उस परिस्थिति में तो ये काम के लिए आपका ई श्रम कार्ड बनाया गया। उसी पीरियड में एक दो बार महीने महीने लोगों को मदद भी किया गया, पैसा भी भेजा गया, एक मुश्त भी कुछ लोगों को पैसा दिया गया। अब इसमें होगा क्या कि समय समय पर अगर सरकार को लगेगा तो आपको सामान के लिए भी कभी पैसा दिया जाएगा, स्टूल के लिए कि आप कोई काम करते हैं, जैसे कि आप लेबर का काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, कोई छोटा मोटा व्यवसायी है, तो इस आधार पर कभी हो सकता है भविष्य में आपको छोटा मोटा लोन दिया जाए, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी आपका कोई चीज़ गिरवी रखे, या फिर आपको सामान के लिए 15,000, 20,000, 10,000 रुपये एक मुश्त दिया जा सकता है भविष्य में।
इसलिए बनवाया गया। अब लोगों को क्या लगा कि ई श्रम कार्ड बन गया तो हमें पेंशन मिलेगा, मुझे किसी तरह का समय समय पर राहत मिलता रहेगा, ऐसा कोई भी नहीं है। आप जैसे काम कर रहे हैं करते रहेंगे, जैसे आप जो काम कर रहे हो करते रहेंगे, आपको जब सरकार को लगेगा उस तरह का तो सरकार मदद करेगी, समय समय पर स्कीम निकालती रहेगी। अभी क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया जा रहा है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि श्रम कार्ड बन गया, अभी कुछ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी इसलिए नहीं ध्यान दिया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि 48 करोड़ लगभग अपने देश में असंगठित मजदूर, जिसमें लगभग 25 करोड़ लोगों का ई श्रम कार्ड बना, 25 करोड़ लोगों का ही ई श्रम कार्ड बना है, आप समझ लीजिए लगभग आधे लोगों का ही बना है। अभी बहुत सारे लोग ई श्रम कार्ड नहीं बनवाए हैं, या तो जानकारी नहीं है, या तो उन्हें किसी ने बताया नहीं, और जानकारी भी है तो टाइम नहीं है। तो जिन लोगों ने नहीं बनवाया उन्हें बनवाने की ज़रूरत, जिस दिन लगभग 48 करोड़ का आंकड़ा है, अगर 30 करोड़ ही, 35 करोड़ ही, 40 करोड़ लोग बनवा लेते हैं तो सरकार के पास एक डाटा चला जाता है, फिर हो सकता है सरकार उसके लिए कुछ सोचे, कुछ उसके लिए स्कीम निकाले, कुछ उसके लिए मदद का फंड निकाले, तो वो भविष्य की बात है। लेकिन ई श्रम कार्ड है तो आपको नुकसान नहीं होगा, भविष्य में फायदा ही फायदा होगा, तो इस चीज़ के लिए ई श्रम कार्ड बनवाया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूँ कि आयुष्मान भारत कार्ड बना था लोगों का, हेल्थ कार्ड, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड भी बना था लोग, क्यों बना था कि साल में 5 लाख रुपया तक किसी का कुछ स्वास्थ्य खराब होता है तो इलाज सरकार के द्वारा किया जाता है जिसके पास ये कार्ड है, चाहे ऑपरेशन हो, जांच हो, किसी प्रकार का इलाज हो, तो साल में एक बार 5 लाख का इलाज किया जाता है। लेकिन अगर उसका तबीयत किसी का ख़राब नहीं होता है, कार्ड बना हुआ है 5 लाख तक का लिमिट है, लेकिन तबीयत ख़राब नहीं होता है, किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं होता है, किसी प्रकार का स्वास्थ्य खराब नहीं होता है, तो साल में उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, फिर अगले साल उसका रिन्यू होता है, और फिर अगर उसके साथ ऐसा सिचुएशन होता है तभी सरकार उसकी मदद करती है, ऐसे किसी प्रकार का मदद नहीं करती। तो ये आपका आपदा विपदा के लिए होता है, जैसे आयुष्मान भारत कार्ड है, इसी प्रकार से ई श्रम कार्ड आपके पास बना हुआ है तो ये लाइफ टाइम की गारंटी है, इससे नुकसान आपको कुछ नहीं हो रहा है, ये भविष्य में फ़ायदा ही होगा। जब भी किसी प्रकार का आपदा विपदा होता है, आप मुसीबत में पड़ते हैं, आपके पास पैसा नहीं रहता है, बैलेंस नहीं रहता है, या फिर रहता भी है तो भी सरकार आपको मजदूर समझ के, असंगठित मजदूर समझ के आपको मदद करेगी किसी भी हालात में, इसके आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सरकार सभी लोगों को मदद पहुंचाएगी। ई श्रम कार्ड कहने 25 करोड़ लोगों ने बनवा चुका है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं बनवाया उन्हें बनवा लेना चाहिए, अभी भी आप ऑनलाइन अप्लाई करके बनवा सकते हैं। इसमें लगता क्या है डॉक्यूमेंट्स जान लीजिए, एक आधार कार्ड आपका लगेगा और मोबाइल नंबर एक रजिस्टर्ड होना चाहिए जो आधार में आपका रजिस्टर्ड है। तीसरा क्या है, एक बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। ये तीनों मिलाकर आपको ई श्रम कार्ड अप्लाई कर दिया जाता है, आपको बना के दे दिया जाता है। बहुत सारे लोग खुद भी अप्लाई करते हैं लेकिन खुद अप्लाई करने में बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल है। आप किसी CSC सेंटर पर जाएंगे, जिसे कॉमन सर्विस सेंटर कहता है, या फिर आप किसी साइबर कैफे में जाएंगे, किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाएंगे जहाँ कंप्यूटर से काम होता है, या फिर जन सुविधा केंद्र पर जाएंगे, हर चौक चौराहा पर अभी होता है जहाँ कंप्यूटर से काम होता है साइबर कैफे, वहाँ पर आप जाएंगे, आप आधार कार्ड लेकर जाइए, बैंक अकाउंट लेकर जाइए और एक मोबाइल नंबर लेकर जाइए, और वहाँ पर आपको हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन करके आपको थमा दिया जाता है, पर्ची मतलब जिसे ई श्रम कार्ड की रसीद कहा जाता है, और बाद में फिर ई श्रम कार्ड प्रिंट करके आपको दे दिया जाता है। तो यही, इसमें कुछ तामझाम है नहीं, आपको अपना काम बताना होता है कि आप काम क्या करते हैं, और बस आपको बना के दे दिया जाता है। आप देश के किसी कोना में रह रहे हैं, चाहे आप बिहार के रहने वाले हैं, UP के रहने वाले, मध्य प्रदेश के रहने वाले, बंगाल के रहने वाले, लेकिन आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर कहीं भी काम कर रहे हैं, आप वहीं रह के बनवा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको घर पे जाना है, कहीं जाना है, आप जहां है वहीं से ऑनलाइन अप्लाई करके बनवा सकते हैं। तो ये सब फ़ायदा है, तो बनवा कर जरूर रखिए। अब रही इसके बारे में विशेष जानकारी, आप चाहते हैं पूरा डिटेल्स और जानना चाहते हैं कि किन किन लोगों का बनेगा, बहुत सारे लोगों का मैंने नाम भी लिया, बहुत सारे का नाम लिस्ट में है लेकिन नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि उतना याद करना संभव नहीं होता है। तो एक वीडियो प्रॉपर मैं बना चुका हूँ इससे पहले, तो उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा आपने देख लिया हो तो उस वीडियो को भी पूरा एक बार जरूर देखें, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि भविष्य में क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या आपको इससे आगे मिलने वाला है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे सिर्फ फायदा ही फायदा है, नुकसान किसी प्रकार का नहीं है। भारत सरकार ये डाटा तैयार कर रही है, और डाटा तैयार जिस दिन पूरा हो जाएगा, जिस दिन लिमिट पूरा हो जाएगा, उस दिन आपको लगेगा कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको सब ये चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना जल्दी हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। अभी एक साल पहले से ही ये स्टार्ट हुआ। आपको बता दूँ कि ये ई श्रम कार्ड बनना दिसंबर 2021 से स्टार्ट हुआ है, और ये दिसंबर 2022 में, अभी मैं वीडियो बना के बता रहा हूँ आपको, और बस कुछ ही दिनों बाद
2023 में 24 में आपको समझ में आएगा कि ई श्रम कार्ड का क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, जितने लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें बार बार सवाल करने की जरूरत नहीं है, जरूर इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और यही सब के कारण बनवाया गया है, इसीलिए आपको बनवाया गया है। तो धैर्य रखें, धीरज रखें, नई नई जो स्कीम आ रही है, सरकार की योजना आ रही है, उस पर ध्यान रखें, अपडेट होते रहें। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, समय समय पर मैं आपको अपडेट इसके बारे में भी देता रहूँगा और सरकारी योजना के बारे में देता रहूँगा। किसी नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे कानून से संबंधित कोई वीडियो हो गया, या फिर आपको बैंक से संबंधित हो गया, इंश्योरेंस से संबंधित हो गया, या फिर आपको बता दूँ रेलवे से संबंधित हो गया, पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो गया और सरकारी योजना से संबंधित, तो समय समय पर अपडेट आपको देता ही रहता हूँ। किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रॉपर वीडियो आपको विस्तार से बना दूंगा। जैसे ये भी कई लोगों ने सवाल किया, बहुत सारे सवाल आ गए मेरे कमेंट बॉक्स में, इसीलिए मैं इसको क्लियर किया हूँ आज। तो आज यहीं पे समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।